ये हमारा रिमोट है जिसे कि अब हम रिपेयर करने वाले हैं, इसे हम सबसे पहले खोलेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुरिंदर पाल सिंह आर्ट एंड साइंस में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं किस प्रकार हम घर के AC TV का ओरिजिनल रिमोट खुद रिपेयर कर सकते हैं, वो भी मात्र 10-20 रुपए में। होता क्या है कि हमारे रिमोट के बटन अक्सर काम करना बंद कर देते हैं। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बटन्स के अंदर पीछे की तरफ कार्बन लगा होता है जो कि रिमोट के बटन जिसकी वजह से काम करते हैं। वो कार्बन जब उतर जाता है या खराब हो जाता है तो रिमोट खराब हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हम हर बार 500-700 रुपए का ओरिजिनल रिमोट लेकर आए, हम उसी को उसके बटन्स को रिपेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारा रिमोट है जिसे कि अब हम रिपेयर करने वाले हैं, इसे हम सबसे पहले खोलेंगे। इसी प्रकार हम दूसरी तरफ से भी इसके पेचकस की सहायता से इसके जो नक्के ये खोल लेते हैं। ये हमने इसे खोल लिया है। अब आप देखेंगे कि इसमें कौन सा स्विच काम नहीं कर रहा, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये काम कर रहा है, एक नंबर भी काम कर रहा है, दो नंबर भी काम कर रहा है, तीन नंबर काम नहीं कर रहा है, चार भी कर रहा है, पांच भी कर रहा है, 6, 7, 8, 9 नौ नंबर भी काम कर रहा है और जीरो नंबर भी काम कर रहा है। सारे स्विचेस काम कर रहे हैं, सिर्फ तीन नंबर नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम इसकी पेट्रोल या थिनर इत्यादि की सहायता से हम इसकी सफाई करेंगे। अब हम ये पेट्रोल ले रहे हैं, आप इसमें थिनर या कुछ स्प्रिट वगैरह भी ले सकते हैं। ये पेट्रोल हमने थोड़ा सा ले लिया है। अब हम इस पेट्रोल की सहायता से इसके स्विचेस को साफ कर लेते हैं, आगे पीछे दोनों तरफ से। पीछे की तरफ भी हम इसका इसे साफ कर लेते हैं और फिर एक कपड़े की सहायता से इसे हम पोंछ लेंगे। हम कपड़े की जगह टिश्यू पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप देखिए, हमने इसके ये स्विचेस पोंछ लिए हैं, आगे से भी ये साफ हो गया है। अब हम इसी प्रकार इसका सर्किट लेंगे और उसे भी साफ कर लेंगे। ये इसका सर्किट है, थोड़ा पेट्रोल की सहायता से हम इस पे कार्बन जम जाया करता है, वो गंदगी हटाने के लिए इसके कॉन्टैक्ट से हम इसको भी अच्छी तरह साफ कर लेते हैं और कपड़े की सहायता से इसे पोंछ लेते हैं। अब आप देखिए कि ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाई है, ये जो समस्या है कि इसका तीन नंबर का स्विच काम नहीं कर रहा, दरअसल इसके पीछे ये कार्बन या ग्रेफाइट का लेप होता है जो कि खराब हो जाता है। जैसे ये हमारा तीन नंबर, इसमें हमारा ये ग्रेफाइट का या कार्बन का जो लेप है ये सही काम नहीं कर रहा। तो इसे हम रिपेयर करने के लिए इस पे हम एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर भी चिपका सकते हैं, छोटा सा टुकड़ा एल्फी की या किसी सॉल्यूशन की सहायता से, नहीं तो मार्केट से ये कार्बन की स्ट्रिप्स आपको मिल जाएंगी। ये कार्बन की स्ट्रिप्स होती हैं, आप इन स्ट्रिप्स को
इसमें ये कार्बन के छोटे छोटे पीसेस दिए रहते हैं, आप ये पीस को भी इस पर लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 नंबर वाला हमारा जो काम नहीं कर रहा, इधर वाला, इसमें हम एक छोटी सी कार्बन की स्ट्रिप उखाड़ के लगा देते हैं। ये हमारा 3 नंबर वाला, आपने देखा हमने इस पर ये स्ट्रिप लगा दी, ये इस पर ये टिक्की लगा दी है, और ये टिक्की हमें मार्केट से मिल जाती है। मैंने ये टिक्की का पैकेट जो है, ये पैकेट है पूरा, इसमें ये बॉक्स है जिसमें कि 5 तरह के अलग अलग साइजेस की, आप देख सकते हैं ये अलग अलग साइजेस की इसमें हमें टिक्कियां दी हुई हैं। मैंने ये टिक्कियां मात्र 30 रुपए की ये पूरी डब्बी खरीदी है। अब हम इस को चेक करेंगे। सबसे पहले हम सर्किट को अपनी जगह फिक्स करते हैं। थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है ये काम। अब हमारा सर्किट आप देख सकते हैं फिट हो गया है। इस पर हम सेल लगा लेते हैं। ये हमने इस पर बैटरी सेल लगा दी है। अब हम इसको एक बार फिर चेक करेंगे। ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये 3 नंबर का स्विच काम नहीं कर रहा था, अब ये बिल्कुल सही तरीके से काम करने लगा है। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है रिमोट को ठीक करना। अब हमारा रिमोट बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसके सारे स्विच काम कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे सारे स्विचेस, ये 3 नंबर जो खराब था, ये सारे 3 नंबर को दोबारा देखिए, आप सारे स्विचेस सही काम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, सिर्फ ये छोटी सी ग्रेफाइट या कार्बन की जो भी टिक्कियां होती हैं, हमने ये टिक्कियां लगाई हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से या चांदनी चौक गफ्फार मार्केट, सॉरी चांदनी चौक लाजपत राय मार्केट या भगीरथ प्लेस से आपको मिल जाती हैं। ये 30 रुपए का डब्बी लाया था मैं, इससे मैंने रिपेयर कर दिया है। सारे स्विचेस अब सही काम कर रहे हैं। अब हम इस रिमोट को बंद कर देंगे, सारे स्विचेस को अपनी जगह बिठा के। अब देखिए ये हमारा रिमोट बंद हो गया है। हम इसे पीछे से भी बंद कर देते हैं। अब देखिए हमारे सारे स्विचेस, पावर का स्विच, 1 नंबर स्विच, 2 नंबर स्विच, 3 नंबर स्विच, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, एग्जिट, होम, बैक, गाइड, ये ओके वाला, म्यूट वाला, इंफॉर्मेशन, ये प्लस माइनस वॉल्यूम, चैनल, सेट, हेल्प, ये कलर वाले, ये सारे अब सही काम करने लगे हैं। तो देखा आपने रिमोट रिपेयर करना कितना आसान है। हमने कुछ ही पैसों में इसे रिपेयर कर लिया, और साफ करने के लिए हमने पेट्रोल का प्रयोग किया, लेकिन आप कुछ थिनर वगैरह भी प्रयोग कर सकते हैं जो कि गंदगी को, मैल को काटता है। तो आपने देखा कितना आसान है इसे रिपेयर करना। अब हमारा रिमोट बिल्कुल सही काम करने लगा है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।